Good morning internet, how are you people? So today we are going for a bike ride. Bike ride this time mean motorcycle ride. I already told you that I ride a BMW R1200 GS and I recently bought a Firefox cycle. So today we are going for off-roading on my BMW R1200 GS. तो चलिए आप लोग दिखाते हैं, आपको थोड़ा बहुत दिखाने की कोशिश करते हैं कि ऑफ रोडिंग पर जाते हैं तो क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है और किस तरीके से ऑफ रोडिंग की जाती है। चलिए, सो वेलकम बैक गाइज, एज यू कैन सी इट्स 5:50 इन द मॉर्निंग। हम लोग निकल चुके हैं राइड के लिए। आई काफ़ी दिन बाद मैं राइड कर रहा हूँ, ड्यू टू कोरोना वायरस मैं ज़्यादा राइड नहीं कर रहा था मोटरसाइकिल पर, बट ये मोटरसाइकिलिंग इज़ माई पैशन, तो इसके बिना तो रहा नहीं जाता। तो आज जा रहे हैं, होपफुली सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स हम लेंगे कि मास्क वगैरह करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग इज मस्ट, बट अब जा रहे हैं ऑफ रोडिंग के लिए। तो देखते हैं, अगर वेदर तो काफ़ी अच्छा है आज और काफ़ी हवा चल रही है काफ़ी तेज़, आप देख सकते हैं ये मिट्टी कितनी फूट रही है यहाँ पे। तो अगर वेदर में बारिश वगैरह हुई या कुछ ऐसा ख़राब हुआ तो फिर हम ऑफ रोडिंग के लिए नहीं जाएंगे, क्योंकि वहाँ काफ़ी मिट्टी होती है और काफ़ी दिक्कत होगी, तो फिर हम एक नॉर्मल राइड करके आ जाएंगे। तो लेट्स सी क्या होता है, चलिए साथ रहिए, देखते हैं क्या होता है। हाँ, जो आज मैं जा रहा हूँ वो जा रहा हूँ मैं अपने फ्रेंड अश्विन सिंह टकियार के साथ, जो कि एक यूट्यूबर हैं और काफ़ी अच्छा चैनल है उनका। तो इंटरेस्टेड में कि भैया चलो आज हम मेरे साथ चलो। वैसे तो आजकल मैं साइकिलिंग पर ज़्यादा दोस्त दे रहा था कि उससे फिटनेस भी रहती है और सुबह उठने का एक रूटीन भी सेट था, बट अब देखते हैं, काफ़ी दिन हो गए मोटरसाइकिलिंग करे बिना, तो ये भी करते हैं। सो गाइस, वी हैव रीच द लोकेशन जो हमारी सेट हुई थी कि जहाँ मिलना था, एंड आई एम वेटिंग फॉर माय राइडिंग पार्टनर अश्विन, वो आएगा तो फिर यहाँ से इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। आप देख सकते हैं कितने साइकिलिस्ट हैं, क्योंकि जब से ये कोरोना वायरस हुआ है, जिम बंद हुए हैं, तो साइकिलिंग का चलन काफ़ी बढ़ गया दिल्ली में। इवन जब भी मैं अभी साइकिल लेने गया था अपने लिए, तो सारी साइकिल्स ज़्यादातर सोल्ड आउट थी और काफ़ी प्राइसेस भी बढ़ने वाले हैं इनके ड्यू टू ट्रेड वॉर बिटवीन इंडिया एंड चाइना, जो आजकल माहौल ठीक ही नहीं है वहाँ पे, तो उस वजह से काफ़ी फ़र्क आने वाला है आने वाले टाइम में। और मोस्टली साइकिल्स चाइना से ही बन के आती हैं अपने इंडिया में। अश्विन सिंह तक यार, जो कि अपने प्रॉमिस टाइम से आधा घंटा लेट है भैया, मेरे तो हो गया लॉकडाउन इफेक्ट, जैकेट भी बंद हो रही है मेरे के नीचे, आ तो बाइक निकाली बंद करो आप पे ना हो, चलो ले जाओ। दिस इज अश्विन सिंह तक यार, इसका भी यूट्यूब पे चैनल है और काफ़ी फेमस है, मेरा तो भैया पहला दूसरा वीडियो है, अभी तो कोई इतने सब्सक्राइबर्स नहीं है। तो ये चलाता है GS Adventure 850। तो इसको काफ़ी शौक चढ़ा हुआ था कि ऑफ रोडिंग करनी है, ये करना है, और इसके बाद यामाहा R1 भी है, तो आज इसी के साथ जा रहे हैं। देखो कहीं ले जाता है भाई का, लॉकडाउन इफेक्ट आया है, जैकेट बंद होनी बंद हो गई है, और मैंने इस लॉकडाउन के अंदर ऑलमोस्ट 10 kgs लूज़ कर चुका हूँ, टोटल में 24 kgs लूज़ कर चुका हूँ मैं, एंड माई टारगेट इज़ टू लूज़ अनदर 20 to 25 kgs। एक हमारे इंडिया के अंदर ना कोई लेन ड्राइविंग का कोई सिस्टम नहीं है, कोई राइट कोई लेफ्ट कहीं से भी कोई भी आ जाता है, तो बहुत केयरफुली चलना पड़ता है। अभी काफ़ी टाइम हो गया बाइक चलाए हुए, लगभग मार्च के बाद से मैंने कोई खास राइड करी नहीं, एक आध दो छोटी मोटी राइड, मतलब जहाँ पर रुकना ना पड़े, कुछ खाना पीना ना पड़े, ये तो बारिश आ गई भाई, ध्यान नहीं लग रहा मुझे कि ऑफ रोडिंग हो पाएगी, फोन वोन और ना गीले हो जाए, बारिश शुरू, पता नहीं राइड होगी भी कि यू टर्न ही लेना पड़ेगा मुझे, तो उसमें बाहर कोई वाटर प्रूफ गियर्स नहीं है, तो हो सकता है कि मेरा फ़ोन वगैरह की प्रॉब्लम है, कहीं रखेंगे और कैसे रखेंगे। सर अभी रिकॉर्डिंग बंद करनी पड़ रही है ड्यू टू हैवी रेन, कहीं लगता है कि GoPro मेरा ख़राब ना हो जाए, तो इसलिए बंद करना पड़ रहा है। तो अगर बारिश रुकती है तो फिर दोबारा रिकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे। हमारा आज का प्लान हो गया कैंसिल, हम लोग नहीं कर सकते ऑफ रोडिंग, बिकॉज वहाँ पर उस साइड पर बहुत ज़्यादा ही बारिश थी, यहाँ पर फिर भी नहीं है या कम है, वहाँ बहुत बारिश थी, तो हम लोगों ने अपना प्लान कैंसिल करा, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्लश हो जाता है तो फिर गिरने के काफ़ी चांसेज हैं, एंड सीरियसली आई एम नॉट अ प्रो इन ऑफ रोडिंग, मैंने टूरिंग बहुत करी है, ऑफ रोडिंग का इतना एक्सपीरियंस नहीं है, मैं करी है, ये प्रो है भाई मेरा, इज़ प्रो इन ऑफ रोडिंग की 850 है। 850 वैसे भी
ज़्यादा ऑफ रोडिंग ओरिएंटेड है बाइक, और मतलब 850 एडवेंचर, 850 टूरिंग के लिए ज़्यादा, एडवेंचर जो है ना वो ज़्यादा ऑफ रोडिंग, दोनों ही चीज़ें बहुत अच्छी हैं। 850 वाली नॉर्मल भी बहुत अच्छी ऑफ रोडिंग करती है, क्योंकि इसका वेट बहुत कम है, वेट कम होने की वजह से इसके अंदर संभालने की थोड़ी सी दिक्कत कम होती है, और इसमें थोड़ा बल्क ज़्यादा है। ये भाई ने अभी न्यू एग्जॉस्ट लगवाया, ये एग्जॉस्ट डोमिनेटर का है, ये मेरी बाइक में भी सेम लगा हुआ है, मेरी बाइक में भी सेम है, बहुत अच्छा एग्जॉस्ट है। ये पोलैंड की कंपनी है और काफ़ी अच्छा क्वालिटी और रीजनेबली प्राइस है। खैर रीजनेबली कह भी सकते हैं और नहीं भी कह सकते, बिकॉज इन बाइक का सामान बहुत महंगा होता है। अगर ये एक्रा का लगवाते तो कम से कम 1.5 लाख रुपये का सिस्टम था इस बाइक को लगभग। ये कितने का पड़ा? ये मेरे को टोटल करने का 52, इसको 52,000 का पड़ा विद लिंक पाइप, और एक्रा का अराउंड 1 लाख रुपए का गिना देते हैं, 1.25 लाख रुपए में सिर्फ स्लिप ऑन आता है, लिंक पाइप फिर से अलग उसके अंदर, मतलब एक्रा लेता तो ये 2.5 लाख रुपए पे पहुंच जाता। इस बाइक के लिए लिंक पाइप आती नहीं है, हमें डोमिनेटर की लगानी पड़ती, तो कुल मिला के वो 1.5 लाख रुपए टाप ही जाता। तो ये काफ़ी रीजनेबली काम हो गया और क्वालिटी बहुत अच्छी है, बेस्ट क्वालिटी पैसे के हिसाब से बहुत ही बढ़िया, और भैया ने तो पैसे बहुत ही ज़्यादा। ये तो वही एकरा लगा रहा था, इसको मैंने ही रोका, मैं कहा भाई सेम आवाज़ है, बिकॉज मैं भी पहले एकरा लगा रहा था, तो मेरी बाइक का एकरा अप्रॉक्सीमेटली 1,30,000 रुपये का था, जो अब डिस्काउंट करने के बाद BMW 80,000-85,000 में बेच रही है, तो मैं तो USA से खुद ही लेके आया था, तो मुझे तो अराउंड 20,000 का पड़ गया था सिर्फ ही। तो मेरा एक्चुअली मैंने लिंक पाइप भी नहीं लगाया हुआ, पर तब भी GS 1200 ज़्यादा लाउड है, GS 1200 में ग्रंट ज़्यादा है, बॉक्सर उसमें ग्रंट ज़्यादा है। तो अभी हम लोग यहाँ आ गए हैं, अश्विन भाई बैग भर के लाया, खाना वाना कुछ खाएंगे, देखते तैयारी से आया था, उतना ही मूड खराब हो गया। मैगी घर से बनवा के कि हमें बाहर से ना खाना पड़े, तो भी सिमेट्री आ गया थोड़ी देर, यही बारिश यहाँ भी शुरू हो गई है देख सकते हैं, तो यहीं कुछ खाते हैं या टाइम पास करेंगे और गीले होकर घर जाएंगे, बस कुछ राइड तो हमारी होगी कैंसिल। गाइस एज यू कैन सी वी आर इन वॉर सिमेट्री, कैंट एरिया है, यहाँ पर साइकिलिंग का बहुत चलन है, आजकल बहुत साइकिलिंग हो रही है, और दिल्ली के अंदर मैंने आपको पहले ही बताया कि बहुत साइकिलिंग का हो गया, कि आजकल लोगों को फिटनेस की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, बिकॉज जिम वगैरह बंद है। तो ये देख सकते हैं आप साइकिलिंग ग्रुप कितने आए हुए हैं इधर, वेदर तो बहुत ऑसम है, मसूरी टाइप वाली फीलिंग आ रही है, बट अब क्या करें, आज का तो ऑफ रोडिंग का प्लान कैंसिल हो गया, तो नेक्स्ट टाइम से फिर करवाएंगे ऑफ रोडिंग, आपको चेक कराएंगे कैसे होती है क्या होता है। हाँ मैं खुद भी बहुत ज़्यादा प्रो नहीं हूँ, बट कोशिश कर रहा हूँ सीखने की, टूरिंग मैंने कर रखी है ऑलमोस्ट 40-50,000 किलोमीटर बाइक चलाई है, सुपर बाइक मैंने, तो ले मैं 2 बारी कर चुका हूँ, नेपाल तक राइड कर चुका हूँ, बड़ी राइड्स और जैसलमेर राजस्थान वगैरह सारा कवर कर चुका हूँ, हिमाचल ऑलमोस्ट कवर कर चुका हूँ, उत्तराखंड ऑलमोस्ट काफ़ी। सो गाइस वी आर हेडिंग बैक टू आवर होम, तो ये मेरी बाइक है, ये अश्विन की बाइक है, एंड अश्विन वॉन्ट्स टू राइड माई बाइक, तो हम लोग बाइक स्विच कर रहे हैं। सो गाइस दिस इज़ अश्विन सिंह डकियास बाइक, अब हम लोग वापस स्टार्ट कर चुके हैं, और उसको 1200 चलानी है मेरी, वो उसने स्विच करी है मेरे से, तो आज मैं 850 चला रहा हूँ GS एडवेंचर, पावर की ज़रूर कमी लगेगी मुझे इसमें, हाँ उतना ग्रंट नहीं है इसके अंदर, बट अच्छी है बाइक, कैपेबल है, एक बिगनिंग तो नहीं कह सकते, जैसे अगर कोई चला रहा है या हिमालयन चला रहा है या कोई 650cc बाइक चला रहा है उसको अपग्रेड करना है तो वो ही ले सकता है। GS का जो है बॉक्सर इंजन है, वर्ल्ड का बेस्ट इंजन है वो, एक्चुअली यू कैन से कि वो लैंड क्रूजर ऑफ बाइक्स है, कहीं भी ले जाओ, गो एनीवेयर बाइक है GS 1200, ये उसी का छोटा वेरियंट है, 850 है ये, ऑफ रोडिंग के लिए इन्होंने बनाई थी 850 और 850 एडवेंचर बनाई है। एडवेंचर में क्या फ़र्क होता है कि फ्यूल टैंक थोड़ा बड़ा होता है। ये अश्विन सिंह जा रहे हैं जी मेरी बाइक लेके, अपनी बाइक को चलते हुए देखना। पहली बार ही देख रहा हूँ मैं लगता है, बिकॉज मैं यूजुअली कम ही स्विच करता हूँ बाइक अपनी, और इस भाई ने मांगी तो मैं मना नहीं कर पाया इसको। अभी सेमेट्री से हम लोग घर जाएंगे ऑफ रोडिंग के लिए, फिर किसी दिन चलेंगे, अगर ये कोरोना का ख़त्म हो जाए तो फिर टूरिंग करेंगे, बहुत सारी टूरिंग करनी है अभी, तो इस साल मेरे को स्पीति करना था, कुछ नहीं कर पाए, सब प्लान चौपट हो गए, हिमाचल में कहीं भी कर सकते हैं, मतलब हम तो इतने फॉन्ड ऑफ टूरिंग थे कि भाई महीने में 1-2 ट्रिप्स बनाते थे, तो
अभी अश्विन शायद लेफ्ट लेना चाहता था, बट ये फटक खुला तो यहाँ से जा सकते हैं। अब टूरिंग वूरिंग का तो कुछ सीन रहा नहीं, गाइस घर से खाना लेके जा रहे हैं, घर वाले भी अलाउ नहीं कर रहे हैं, तो अभी हम लोग दिल्ली के एंड है। कैसा लग रहा है फिर? ये बेचनी पड़ेगी। क्यों भाई? ज्यादा स्टेबल है, ब्रेकिंग बेटर है, फ्रंट शॉकर डाइव नहीं कर रहा, कितनी चीजें इसको तो बेटर। हाँ तो बच्चे तो कह रहे तेरी बाइक ज्यादा सुंदर है। अब भाई का दिल आ गया 1200 पे। ये क्या तो मजा आ रहा है। एक्चुअली ये सुपर बाइक चलाता है, ट्रैक बाइक R1, तो ये टूरिंग बाइक को भी उसी तरह कंपेयर करता है। पावर चाहिए, ऐसे चाहिए, वैसे चाहिए। बाकी अनडाउटली GS 1200 850 से एनी टाइम बेटर है। दिस इज अ एंट्री लेवल, यू कैन नॉट से एंट्री लेवल इज 310 cc, आफ्टर दैट 850, फिर 1200। अब 1200 को डिसकंटिन्यू करके इन लोगों ने 1250 cc कर दिया है, तो अभी अगर आप नहीं लेना चाहेंगे तो GS 1250 ही मिलेगी, 1200 डिसकंटिन्यू होगी। मेरी ऑलमोस्ट लास्ट बाइक ही थी, मैंने दिसंबर 2018 का वेरिएंट है मेरा, तो इससे पहले मेरे पास S1000XR थी, उसी पे मैं नेपाल गया था, वो भी BMW की है, इनलाइन 4 टूरिंग बाइक है। उसका कोई वीडियोस मेरे पास होंगे तो मैं ज़रूर शेयर करूँगा। सो गाइज, अगर आप लोग नए हैं, ऑब्वियसली नए होंगे क्योंकि मेरा चैनल कोई बहुत हिट नहीं है, तो काफ़ी अच्छे अच्छे कंटेंट लाने की कोशिश करूँगा, तो आप लोग यही कहना चाहूँगा बस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। और मेरा इंस्टाग्राम ID है arun_sikri, वहाँ पर भी प्लीज़ मुझे फॉलो करो। तो कोशिश रहेगी कि आप लोग के साथ कुछ अच्छी बाइकिंग कंटेंट को शेयर किया जाए। एज आई हैव अ नॉलेज ऑफ अराउंड 7 to 8 ईयर्स, सब बाइक्स रख के चेंज करी हैं। पहले मेरे पास यामा की VMAX भी मेरे पास थी, मेरे पास BMW S1000XR भी थी, और बहुत बाइक थी, हायाबुसा भी थी, हार्लीज भी थी, ऑलमोस्ट अगर गिनूंगा तो टोटल में मेरे ख्याल से 15 to 20 बाइक्स चेंज कर चुका हूँ, पर जाके रुका हूँ GS 1200 पे, क्योंकि इसके ऐसी स्टेबिलिटी, पावर, फील, स्मूथनेस, एक एक फंक्शन इसका जो प्रॉपरली काम करता है, वो सब किसी और बाइक में मिल ही नहीं सकती। और जो टूरिंग का जो मज़ा है वो तो खैर है ही है, बट मैं ज़्यादा टूरिंग कर ही नहीं पाया। मेरी बाइक अभी तक सिर्फ 9000 किलोमीटर ही चली है। इस साल मेरा प्लान था जाने का कि मैं स्पीति करूँगा, बट कर नहीं कर पाया। चलिए अगले साल से ही करने की कोशिश करेंगे। तो आई एम स्विचिंग बैक टू माई बाइक, और बस यहाँ से राइट होके मेरा घर आ जाएगा, तो घर ही जा रहे हैं। ओके अश्विन, एज यू कैन सी अब मैं अपनी बाइक पे वापस आ गया हूँ और बस घर जा रहे हैं। बहुत ट्रैफिक तेज है भाई दिल्ली का, कोई सब्र नहीं है लोगों में। इसमें जो पार, जो करंट आता है वो किसी बाइक में आ ही नहीं सकता, और कुछ मेरा हाथ इस पर कुछ ज़्यादा ही अच्छा बैठा हुआ है, तो मुझे इसको चलाने में बहुत ही मज़ा आता। तो गाइस मिलते हैं आपसे अगली बारी मोटरसाइकिल पे या साइकिल पे, तो जल्दी मिलते हैं। तो तब तक के लिए गुड बाय, सी या।